नमस्कार दर्शकों, मैं हूं चंद्रदेव बरनवाल। अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। अभी मैं सोनो प्रखंड मुख्यालय से कुछ दूरी पर सोनो चौक स्थित ये प्रभात नर्सिंग हॉस्पिटल सेंटर में उपस्थित हूं। यहां पे इस हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर MS प्रभात साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ खास बातें। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूँ और मैं जनता को हमारी सहर प्रणाम। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ही दिनों से आप यह अच्छी तरह जान रहे हैं कि शिशु रोग विशेषज्ञ जमुई के प्रसिद्ध डॉक्टर SN झा काफ़ी चर्चे में हैं। चर्चा की वजह यह है कि उनको अब्दुल कलाम आज़ाद एवार्ड 2021 मिला है, और ये सिर्फ जमुई के लिए नहीं, सोनो के लिए नहीं, बल्कि पूरी बिहार राज्य के लिए गौरव की बात है। मुसहर समाज में उन्होंने जो अपनी कीमती समय दिया है और जो नन्हे मुन्ने बच्चों को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी उनकी योगदान रही है, मैं उनको अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहेंगे। और नागरिक अभिनंदन हम लोग कर रहे हैं धूमधाम से। कल उनकी 2 बजे हम अपने प्रांगण में पूरी जमुई जिला की ओर से उनका इसी अस्पताल के प्रांगण में, और जिसमें काफ़ी बुद्धिजीवी लोग शामिल रहेंगे। अतः हम सभी श्रोता से हमारी निवेदन है कि आप सभी लोग कल 2 बजे जरूर आएँ और उनको उनकी सम्मान समारोह में आप हों, क्योंकि ये गौरव की बात सिर्फ सोनो के लिए नहीं बल्कि पूरी जमुई जिला के लिए है। और मैं डॉक्टर SN झा की दीर्घायु की कामना करते हैं कि ऐसे विभूति अगर हमारे जिला में है तो काफी नाम रोशन होगी। सर, सुनने को मिला कि उनको मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ अवार्ड भी मिला है। जी, मुख्यमंत्री की तरफ से जो अवार्ड मिला है उसी की मैं बात कर रहा हूँ। अब्दुल कलाम आज़ाद अवार्ड मिला है 2021 में, और ये अवार्ड मैं बता दूं कि सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि ये अवार्ड पहली बार 1947 के बाद, 1947 के बाद पहली बार ये सौभाग्य प्राप्त है हमारे जिला को कि डॉक्टर SN झा को मिली है अब्दुल कलाम अवार्ड, अब्दुल कलाम आज़ाद अवार्ड। तो उनको सर ये अवार्ड जो मिला है, आप इस पर कैसा महसूस करते होंगे, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं और समाज सेवी भी हैं। देखिए, जहाँ तक डॉक्टर की बात है, पूरी जमुई जिला का सभी लोग काफ़ी गर्वान्वित हैं, काफ़ी खुशी में हैं, और काफ़ी खुशी होगी सबको इस बात का, और बहुत खुशी में हैं। और ये खुशी की मैंने किसी शब्द में